सो दोस्तों, अगर आप लेने जा रहे हैं 125 सीसी की बाइक और आपका सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको चाहिए बेस्ट माइलेज, तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया में टॉप 5 ऐसी बाइक 125 सीसी के सेगमेंट में जो आपको बेस्ट माइलेज देती है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी बाइक आपको परचेज करनी है माइलेज के हिसाब से, क्योंकि बहुत से भाई होते हैं जिनका डेली पर्पज़ जो होता है बाइक का रनिंग का वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसे मार्केटिंग हो गई या फिर और भी बहुत से भाई लोग हैं जिनको बाइक तो 125 सीसी की चाहिए पर उनकी डेली रनिंग ज़्यादा रहती है। तो फिर ऐसे भाइयों को माइलेज भी ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि छोटे सेगमेंट की बाइक के में जाओगे 100 सीसी में 110 सीसी में तो वो मज़ा नहीं आएगा। 125 सीसी में आपको थोड़ी बहुत पावर भी मिल जाएगी और माइलेज भी मिल जाएगा। तो आज बात करने वाला है टॉप 5 ऐसी बाइक की जो आपको देती है बेस्ट माइलेज उनकी प्राइस लिस्ट के साथ। तो वीडियो आप लोग जो है एंड तक देखना, और अगर इस चैनल पर नए हो और इसी तरह का बाइक से रिलेटेड कॉन्टेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो भाई शुरू करते हैं आज का वीडियो, और फिफ्थ नंबर की जो बाइक है इस लिस्ट में वो है आपकी बजाज की पल्सर 125। 125 सीसी के सेगमेंट में सबसे बल्की और सबसे कम माइलेज देने वाली ये बाइक है। अगर आप बात करोगे लुक्स वगैरह की, तो एक जो पुरानी ओल्डेस्ट पल्सर सीरीज चलती आ रही है 150 और 180 जो आती थी, उसी डिज़ाइन में आपको पल्सर की 125 अभी भी मिलती है। अगर मैं बात करूँ इस बाइक की प्राइस की, तो इसका जो बेस मॉडल है पल्सर का वो 1,06,000 से स्टार्ट होता है, और जो NS सीरीज है वो 1,25,000 तक जाती है। आपको माइलेज दोनों बाइक ऑलमोस्ट सेम ही निकाल के देगी। अगर मैं बात करूँ इसके माइलेज की, तो इको मोड पर अगर आप इसको बड़े प्यार से और आराम से चलाओगे तो आपको मैक्सिमम 48 तक का माइलेज ये बाइक निकाल के दे देगी, 45 से 48 तक का। बट अगर आपने कर दी थोड़ी तेज इसकी राइडिंग और आपने इसका मीटर खींच दिया और आपने इसको हाई स्पीड पे चलाया, तो इसका माइलेज 45 से भी डाउन चला जाएगा। तो ये एक 125 सीसी के सेगमेंट में ऐसी बाइक है जिसका माइलेज बहुत ही ज़्यादा कम है। इस सेगमेंट में जो चौथे नंबर की बाइक है वो है भाई TVS की रेडर 125। इसका सारा टेस्टेड माइलेज मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि इसको 6 से 7 महीने मैंने काफ़ी राइड किया है और लॉन्ग राइड पे भी लेके गया हूँ, सिटी राइड भी करी है। तो अगर मैं बात करूँ TVS की रेडर 125 की, तो हाल फिलहाल इंडिया में 1,21,000 से इसका बेस मॉडल स्टार्ट होता है, और TFT वाले वेरियंट तक अगर आप जाते हो तो वो जो है 1,30,000 तक चला जाता है। इस बाइक से आपको अगर आप इसको जो है इको मोड पे प्यार से चलाते हो तो 58 से 60 तक का माइलेज इस बाइक से आप निकाल सकते हो। बट अगर इसमें भी वही, अगर इसने आपको खींचा हाई स्पीड पे, आपने इसको खींच दिया और 110 के आसपास क्रूज स्पीड कर ली, 105 या 100 से ऊपर भी क्रूज स्पीड कर ली, तो भाई फिर इसका माइलेज डाउन हो जाएगा, 52-50 तक का माइलेज ही फिर आप इससे जो है निकाल पाओगे। इस सेगमेंट में फोर्थ नंबर की जो बाइक है वो है भाई आपकी होंडा की SP125। ये भी जो बाइक कुछ 1,10,000 की रेंज में इंडिया में आपको देखने को मिल जाती है, इंडिया की मोस्ट टॉप सेल बाइक है 125 सीसी के सेगमेंट में, और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है डिमांड रहती है। और ये जो बाइक है भाई वो आपको माइलेज देगी इको मोड पे इजीली 62 से 65 तक का, अगर आप इसको प्यार से चलाओगे तो। बट अगर आपने इसको वही है इसको भी अगर रैश राइडिंग कर ली और हाई स्पीड में खींच दिया 90 तक या 90 से ऊपर, तो फिर इसका माइलेज भी भाई बिल्कुल डाउन हो जाएगा, और मतलब बिल्कुल तो नहीं होगा, पर हाँ ये है कि 55 से 58 तक का माइलेज तब भी आपको निकाल के दे देगी। इसके माइलेज भी जो है मैंने टेस्ट करे हुए हैं, मेरे चैनल पे पुराने भी वीडियोज़ हैं, वो आप लोग जो है देख सकते हो। इस सेगमेंट में सेकेंड नंबर की जो बाइक आती है वो आती है हीरो की सुपर स्प्लेंडर 125। तो ये भी 125 सीसी के सेगमेंट में काफ़ी अच्छा माइलेज देने वाली बाइक है, और अगर इसको आप इको मोड पर चलाते हो तो 65 तक का माइलेज आप इस बाइक से निकाल सकते हो, अदरवाइज वही 58 से 60 तक का माइलेज तो आपको ये बाइक ईजिली निकाल के दे ही देगी। जो इस सेगमेंट में किंग है और जो सबसे ऊपर है वो है भाई होंडा की शाइन 125, CB शाइन जो आती है 125, वो बेस्ट माइलेज बाइक है 125 सीसी के सेगमेंट में, और 65 से 68 तक का माइलेज इजीली आप इस बाइक से निकाल सकते हो। 1,00,000 की रेंज में आपको ये बाइक जो है इंडियन मार्केट में पड़ जाती है, और आज के टाइम पे 125 सीसी के सेगमेंट में कम्यूटर सेगमेंट में एक बेस्ट बाइक है। तो ये कुछ टॉप 5 बाइक थी जो आपको माइलेज के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। माइलेज मैंने सबका आपको बता दिया है, थोड़ा बहुत आपके ड्राइविंग स्किल्स पर भी डिपेंड करता है। देखिए माइलेज जो है वो आपकी बाइक की कंडीशन और आपकी राइडिंग स्किल्स पे भी डिपेंड करता है कि आपके राइडिंग स्किल्स कैसे हैं, क्लच वगैरह का, ब्रेक का आप कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और आपका जो है बाइक की मेंटेनेंस कैसी है। तो ऊपर नीचे हो सकता है माइलेज, बाकी मोटा मोटा माइलेज आपका यही इन बाइक्स का रहने वाला है। तो यही था अपना एक वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो भाई लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर अ गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय।